गुड्डू चौधरी। गुड्डू, आपने फसल बर्बाद की है, कौन सी फसल थी और क्यों बर्बाद की? ये गेहूं की फसल थी। राकेश टिकैत जी ने एक आह्वान किया था कि सब अपनी एक फसल बर्बाद करके और यहाँ पे आए, और ये सरकार की तानाशाही रवैया है कि जो सरकार वाजिब दाम नहीं दे रही है, इसलिए हम अपनी फसल को तहस नहस कर रहे हैं। अगर आह्वान कुछ और हुआ तो वो भी करोगे? आह्वान अगर परिवार का भी हुआ तो हम आप परिवार का भी बलिदान देने को तैयार है। वहाँ पर आपने खेत में मेहनत की है, हाँ जी, फसल उगाई है मेहनत करके, तो क्या आपको जोर नहीं पड़ रहा? उसका हमें जोर नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसका हमें जब दाम नहीं मिल रहा है, जो हमने इसमें लागत लगाई है वे भी हमें नहीं मिल रही है, तो बताओ हम क्या करें इस फसल का? सरकार हमारी फसल को लुटवा रही है, आतंकवादी बता रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं हम लोगों को। हम अरे कोई अगर किसान है अपने फसल, जो ये नकली किसान बता रहे हैं, कोई असली किसान अपनी फसल जोत के दिखाए? अगर सरकार बोलती है नकली किसान है तो सरकार अपनी फसल जोत के दिखाए ना। सीमा पे जवान और खेत में किसान, सीमा पे जवान लड़ा हुआ है, खेत में किसान लड़ा हुआ है, सरकार अपनी हठधर्मी चला रही है। देखो अब ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो आगे किस तरीके की चेतावनी होगी अगर खेत और भी मतलब बर्बाद करने पड़े? देखो हम खेत अपने पूरे बर्बाद करने के बाद में अगर आगे और भी आह्वान हुआ और भी खेत बर्बाद करेंगे, हम बॉर्डर पर रहेंगे, वहीं पर गाजीपुर बॉर्डर पर रहेंगे, धरना देंगे जब तक का सरकार हमारी मांग नहीं सुनती, हम वहीं पर अड़े रहेंगे।